हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरती कटारिया कुकिंग क्लासेस एंड आशीष केक्स एकेडमी। आज एक नया वीडियो आपके लिए लाई हूँ। ऐसे बोलिए, अगेन सीजन के अनुरूप हम लोग एक चीज़ बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं गुंदे की सब्जी। राजस्थान बहुत ज़्यादा फेमस है, राजस्थानी भरी हुई गुंदे की सब्जी ये तो इस सीज़न का हिट चीज़ है। एक तो ये सब्जी 7 से 8 दिन टिकती भी है, खाने के लिए भी बहुत टेस्टी है, और प्लस इस गुंदे के बेनिफिट्स बहुत है। आपको मालूम है ये भी एक बेरी फैमिली से ही है। इट्स एन बेरी, इट बिलोंग्स टू बेरी फैमिली, बट इसके गुण इतने ज़्यादा अच्छे हैं। फिर वो कफ के लिए हो, आपको भी मालूम है कि राजस्थान साइड में कैसे ड्राई एयर है, तो ये कफ के लिए हो, अस्थमा के लिए हो, जॉइंट पेन्स के लिए हो, आपके लीवर के लिए हो, इतने सारे गुण हैं इसके कि इस सीजन में राजस्थान में जितनी बार जमे उतनी बार ये सब्जी खाई जाती है। कुछ लोग इसको इंस्टेंट बना लेते हैं, कुछ क्या बोलते हैं ना, भर के बनाते हैं। आज जैसे मैं बता रही हूँ वो एक शाही स्टाइल है, बहुत मज़ा आएगा। आप इसको तंदूरी रोटी या सादी रोटी या जाड़ी रोटी जो राजस्थान में बनती है, आप उनके साथ में खाइए, ये सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। इसके लिए पहले मैंने गुंदे लिए। गुंदे लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान से लेना, बिकॉज क्यों, जैसे आपको मैंने बोला ये झाड़ से तोड़े जाते हैं, तो कभी कभार आपको ऐसे लगेगा कि आरती यहाँ पे कहीं होल है एंड इट वुड हैव इंसेक्ट इन इट, वॉर्म इन इट। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से गुंदे खरीदना। खरीदने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कैंची से कट करेंगे, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा गम होता है। मैं इसलिए तो आपको बताई कि बहुत जन इसको पीस के इसके जूस को लेते हैं, ताकि जूस बोलो या चटनी फॉर्म में, ताकि ये हमारे चेस्ट को पूरा क्लीन करता है। तो ये जो है इनको हम लोग कैची से कट करेंगे ताकि हमारे हाथ स्टिकी ना हो। तो पहला स्टेप, ये सब मैं निकाल दूंगी, टोपी के साथ रहन दूंगी, पर यहाँ तक जहाँ तक कट हो सकेगा वो मैं कैची से इसको कट करूँगी। फ्रेंड्स, अब देखिए इनको मैंने साफ कर दिया, ठीक है, एक बार अच्छे से चेक भी कर लो। पानी उबालने के लिए रखा है, और इसमें मैं डालूंगी 1 पिंच ऑफ हल्दी और 1 पिंच नमक। बहुत थोड़ा सा डालना, बिकॉज सब्जी में अपने को ये दोनों चीज़ें डालनी है वापस। आप इनको स्टीम भी कर सकते हो, जैसे हम लोग आंवला कैंडी वगैरह स्टीम करते हैं, या जैसे भी कोई भी स्टीमर में आप स्टीम करोगे तो भी चलेगा, या आप ऐसे उबालोगे तो भी चलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी को उबाल आ गया है, और अब हम इसमें डालेंगे ये गुंदे। महाराष्ट्र में इसको बोकरा बोलते हैं, कोई इसको लसोड़े बोलता है। और ये थोड़े और बड़े साइज के आपको मिले तो वाह। अब इनको एक 2-4 मिनट उबलने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार इसको चप्पू लगा के या आप ऐसे हाथ से थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आप देखोगे तो इसका कलर भी चेंज हो गया है, और आप थोड़ा सा हल्का सा देखोगे तो ये नरम भी हो गए हैं, एंड दे आर डन। अब आपका मेन काम आता है, इसको बोलते हैं ना, आपको इसको या तो चप्पू से बहुत कम हाथ लगा के, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा गम होता है, यही गम बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, फिर वो डायबिटीज़ हो, स्किन के प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा सा आपको इसको इसके अंदर की सीड्स निकालना है, इसको डी सीड करना है, बस सबसे बड़ा काम वही होता है इस पूरी सब्जी बनाने में। तो हम लोग भी इसको डी सीड कर लेंगे और आगे मसाला बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आपको लेना है इसको, एक हल्का सा, नहीं दिख रहा, चीरा दीजिए, बहुत कम हाथ लगाइए, और ऐसे इसके सीड्स निकाल लो। ऐसे हम लोग सारे डीसीट कर लेंगे। आइए इसके मसाले की तैयारी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, खूब सारे तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा तेल, हम ले रहे हैं थोड़ा सा तेल, इसमें मैं डालूंगी 1-2 सूखी लाल मिर्च, कुछ काजू, थोड़े से काजू हम ऊपर भी डालने वाले हैं,
सूखा नारियल जिसको ग्रेट कर लिया है, और ये मैं डाल रही हूँ बेसन, नियर अबाउट 1 टेबल स्पून बेसन है। इनको हम रोस्ट कर लेंगे। साथ में डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, जस्ट 1/4 टीस्पून, और इसे भूनेंगे। आप चाहिए तो यहाँ पे 2-4 पीनट्स भी डाल सकते हो, ग्रेवी का रिचनेस और बढ़ेगा ही। बेसन भून गया, अब इनको मैं एक मिक्सर मार लूंगी। आइए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल, यहाँ पे थोड़ा सा तेल ज्यादा ही लेना पड़ेगा आपको इस सब्जी के लिए, बिकॉज जैसे आपको मैंने बोला 3 से 4 दिन ये आराम से, या ऐसे बोलो हफ्ते भर ये आराम से रहती है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे 1/2 सूखी लाल मिर्च, राई, जीरा, कोशिश करिए तेल को कभी भी ज्यादा गर्म ना करें, अदरक और लहसुन की पेस्ट, हमेशा स्लो गैस पे ही भुनने दो इसको। जितनी अच्छी ये भुनी जाएगी आपको फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। अनियन पेस्ट, फ्रेंड्स जब तक ये मसाला भून रहा है हम एक साइड में, अभी तक तो हमारा कांदा अदरक लहसुन ही भून रहा है, तो हम एक साइड में ये जो हम लोगों ने डीसीड किए थे इनको हम लोग जस्ट सौते कर लेंगे थोड़े से तेल में, बिकॉज मैंने आपको बोला था ये बहुत स्टिकी होते हैं, तो सौते करने से कैसे आप सेफर साइड हो जाते हैं। जी अब इसका स्टिकीनेस भी खत्म हो गया, बस हल्का सा सौते करना है, ज्यादा नहीं करना है। मैं गैस बंद कर रही हूँ। देखिए प्याज का अपना कलर चेंज हो गया है, मैं डाल रही हूँ कुछ काजू, कुछ किशमिश, ये बस सब्जी का रिचनेस बढ़ाएंगे। टोमेटो प्यूरी, कच्चा टमाटर मिक्सर से पीसा है, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इनको बहुत अच्छे से भूनने दीजिए ताकि एंड रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जब तक ये बहुत अच्छे से सीख रहा है
तब तक आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो ऑन आशीष केक्स, दैट इज़ आर फेसबुक पेज, एंड हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज़ आरती कटारिया। इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी लोगों तक ये सब्ज़ी या ऐसी हम लोग जो चीज़ें बता रहे हैं वो सब तक पहुँचे। ये देखिए मसाला सीख रहा है, तब तक हम लोग डालते हैं हमने ये जो पेस्ट पीसी थी काजू और बेसन और नारियल की, हम उसको ऐड कर देंगे और अब मसाले डालना भी स्टार्ट करेंगे। दो मिनट इसको सीखने देते हैं। ये देखिए मसाला रोस्ट होने आया, डालेंगे हम हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, और सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस करने के लिए किसी भी कैरी जस्ट एक टीस्पून। मसालों को मिक्स करने के लिए हम डालेंगे एक टेबलस्पून पानी, थोड़ा सा पानी और लगेगा, अब इसमें ऐड कर देंगे हमने जो गुंदे सौते किए थे वो, और एक 5 मिनट इसको सीखने देंगे। आप एक वाफ ले लीजिए, ढक के रख दीजिए। फ्रेंड्स आइए इसको चेक कर लेते हैं। यस सी हाउ ब्यूटीफुल द सब्जी इज रेडी। तो ये थी हमारी गुंदे की सब्जी।